मोटो ने काफी समय से कुछ नया और जबरदस्त नहीं निकाला था, अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने एक नया फोन निकाला है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के मोटो वन पावर के बारे में। तो दोस्तों, कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि मोटोरोला कंपनी एकदम ही गायब सी हो गई है, पर आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्या मोटो वन पावर के साथ इन्होंने वापसी की है कि नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं मोटो वन पावर की अनबॉक्सिंग के साथ। इसका ऑफिशियल बॉक्स है, एंड्रॉइड वन बेस्ड स्मार्टफोन है ये। तो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम में होने की वजह से इसमें जो बहुत सारे फालतू मोटो वाली चीज़ें होती वो इसमें शायद से नहीं होंगी। बॉक्स के अंदर आपको इसके लिए TPU कवर मिलता है, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन, रीडमी वारंटी कार्ड वगैरह वगैरह मिलता है, सिम ट्री स्लॉट ओपनर पिन मिलता है, और इसके लिए फास्ट चार्जिंग वाला अडैप्टर मिलता है जो कि काफी तेजी से इसको चार्ज कर देता है। USB टाइप ए टू USB टाइप सी वाली केबल मिलती है। और आइए बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। सामने इसमें नॉच वाली डिस्प्ले है 6.2 इंच की, 403 PPI वाली फुल HD प्लस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है इसमें, और बैक पे जो डिजाइन है वो काफी सही सा है, और इस पे एक वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग दी गई है, वाटर प्रूफ नहीं है ये। राइट हैंड साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिया हुआ है, बॉटम पे USB टाइप सी पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। सिमेट्रिकल डिजाइन है काफी हद तक, और थोड़ा भारी सा लगता है फोन हाथ में। लेफ्ट हैंड साइड पे इसके लिए सिम ट्रे स्लॉट है और डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के साथ आता है, जो कि इसकी एक अच्छी बात है। टॉप पे 3.5mm जैक है और माइक्रोफोन भी है। बैक पे ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पे मोटो डिम्पल है वहीं पे ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इस बार, जो कि अच्छी बात है, और बैक पे ही प्राइमरी कैमरा के सेंसर्स हैं। आइए स्पेक्स की बात करते हैं। यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट के साथ आता है, 4GB रैम के साथ आता है, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। जो आपको स्टोरेज है उसके अंदर से 50.4GB स्टोरेज फ्री मिलती है। यह फोन USB OTG को सपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर इसमें अन्य फीचर्स की बात की जाए तो इसमें NFC सपोर्ट नहीं है, और इसके अंदर सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें वो सारे सेंसर्स मौजूद है जो कि आपको एक बढ़िया स्मार्टफोन एक्सपीरियंस के लिए चाहिए होते हैं। आइए अब इस फोन के परफॉर्मेंस वगैरह की बात करते हैं। इस फोन पर अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमने इस फोन पे PUBG खेल के देखा था, पर PUBG लो सेटिंग्स पे ही चल रहा था। लो सेटिंग्स पे काफी हद तक बढ़िया फ्रेम रेट्स आ रहे थे, कहीं पे भी लैग वगैरह ऐसा नहीं दिखाई दिया, प्लेएबल थी गेम पूरी तरीके से। पर ये बात मुझे अजीब सी लगी कि स्नैपड्रैगन 636 पे ये फोन गेम को लो सेटिंग्स पे चला रहा था, बट वैसे गेम काफी हद तक स्मूथ थी और कहीं पे दिक्कत महसूस नहीं होगी। AnTuTu बेंचमार्क पे स्कोर 97,000 यानी कि ऑलमोस्ट 100,000 के करीब स्कोर था इसका स्कोर, और Geekbench बेंचमार्क पे भी ठीक ठाक स्कोर था क्योंकि ऑक्टाकोर चिपसेट है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मल्टीकोर में इसकी सही है कई अन्य फोन्स के मुकाबले। आइए अब इस फोन के कैमरा एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, और मैं आपको थोड़े से सैंपल्स वगैरह दिखाता हूँ इस फोन से लिए हुए। बैक पे जो प्राइमरी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है f1.8 अपर्चर वाला, और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी है साथ में। इसके अलावा फ्रंट में जो कैमरा दिया गया है वह 5 मेगापिक्सल का है f2.2 अपर्चर के साथ और 1 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज के साथ। अगर इमेज सैंपल्स की बात की जाए तो मैंने शार्पनेस तो बहुत गजब देखी थी, क्लैरिटी काफी हद तक सही थी, डायनामिक रेंज सही था, पर कलर्स कहीं कहीं पे थोड़ा वो स्किन टोन उसने ज्यादा ही वाइब्रेंट कर दिया था मेरा, और बाकी ओवरऑल मुझे क्लैरिटी वगैरह सही लगी इसके अंदर जितनी भी इमेजेस थी उनकी। पर ऐसा नहीं है कि कैमरा सॉफ्टवेयर एकदम ही परफेक्ट है, जो पोर्ट्रेट इमेजेस ये कैमरा लेता है उसमें अगर आप बालों को ध्यान से देखेंगे तो बालों में उतनी क्लैरिटी नहीं है, और एज डिटेक्शन अब तक उतनी बढ़िया नहीं हुई है, कई कई जगह पे हाईलाइट्स को भी उड़ा दिया इसने, पर पोर्ट्रेट जो था वो नॉर्मल चीजों पे काफी बढ़िया काम कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अगर ये एल्गोरिथम पोर्ट्रेट का सुधार लेंगे तो ये कैमरा काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग यह कैमरा सपोर्ट करता है, और जहां तक मैंने पाया मुझे इसमें लगा कि वीडियो फुटेज जो है वो काफी हद तक स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि मैं बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था और फिर भी शॉट्स काफी अच्छे आ रहे थे। तो 4K में डायनामिक रेंज अच्छी लगी और शार्पनेस मुझे अच्छी लगी और स्टेबलाइज्ड भी है। फ्रंट कैमरा जो है 1080p वीडियो तक रिकॉर्ड कर सकता है, और फ्रंट कैमरा की अगर क्वालिटी की बात करूं तो उसमें भी मुझे सेम एक चीज लगी कि मुझे थोड़ा सा इसने ज्यादा वाइब्रेंट बना दिया है, इतना ज्यादा चमकीला सा चेहरा नहीं है मेरा, तो वो चीज ध्यान में रखने वाली बात है। यह फोन 5000mAh बैटरी के साथ आता है, जो कि एकदम ही खतरनाक है, और गेम्स खेलते वक्त भी ज़्यादा जल्दी डिप्लीट नहीं होती। फास्ट चार्जिंग के साथ ये आता है तो बहुत तेज़ी से इसको चार्ज भी कर सकते हैं, जो इसकी अच्छी बात है। सिर्फ 3 मोटो एक्शंस के साथ ये फोन आता है, क्योंकि एंड्रॉयड 1 में होने की वजह से मोटोरोला वाले इस फोन को ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते थे, और यह अभी एंड्रॉयड ओरियो के साथ आता है। आइए अब इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट करते हैं।
साउंड तो लाउड है पर इतना बड़ा नॉच देख के मुझे लगा था कि स्टीरियो स्पीकर सेटअप होगा जो कि इसमें नहीं है। वीडियोस देखते वक्त अगर आप जूम टू फिल करेंगे तो वो पूरा जो स्क्रीन है उसको नहीं भरता, नॉच वाले एरिया को वो छोड़ ही देता है, तो ये एक मुझे इस फोन की खामी लगी। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काफी हद तक सही काम करता है, ऑलमोस्ट हर टाइम काम करता है, पर थोड़ी सी स्पीड मुझे ऐसा लगा कम है, इसको इन्हें सुधार लेना चाहिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ। और अगर हीटिंग इश्यूज की बात करें तो हीटिंग इश्यूज कोई ज्यादा नहीं थी, 38 डिग्री तक ये फोन गर्म हो रहा था जब हैवी बेंचमार्क्स और गेमिंग लगातार हो रही थी इस फोन पे, तो 38 डिग्री उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। बाकी जो ये वीडियो वाला इशू है मेरे को लगता है ये इन्हें रिजॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसा चाहते हैं कि नॉच वाला पूरा वो काट के उसमें वो वीडियो देखें। मोटोरोला वालों का तो यह कहना था कि ये इशू इस पे नॉन एग्जिस्टेंट है, पर मुझे लगता है सॉफ्टवेयर वाली चीज़ है और जल्द ही फिक्स हो जाएगी। अगर इस फोन के प्राइस के बारे में बात की जाए तो यह 16,000 रुपये के करीब उपलब्ध होगा भारत में, फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव यह फोन होगा। रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से शुरू हो चुकी है और सेल्स 5 अक्टूबर से शुरू होंगे। तो क्या यह फोन इस प्राइस पे लेने लायक है? सबसे पहला जो इसके लिए जवाब आता है, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी लाइफ गजब हो, जिसका कैमरा कुछ हद तक ठीक ठाक हो और एंड्रॉयड 1 यानी कि जिसमें जल्द से जल्द एंड्रॉयड अपडेट्स आए, तो आपको ये फोन लेना चाहिए। अन्यथा जल्द ही बहुत सारे ऐसे नए फोन आ रहे हैं जो कि शायद इससे बेहतर हों। Realme 2 Pro भी अब जल्द ही आने वाला है। और बात यह है कि मार्केट इतनी हीटेड अप है कि अगर आप एक मोटो फैन हैं और आपको हाई बैटरी लाइफ और एंड्रॉयड 1 एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आपको ये फोन लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर हिंदी को सब्सक्राइब करें और सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।